हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पिंच ऑफ यम। आज मैं आप सभी को दो तरीके के मिल्क शेक बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल पिंच ऑफ यम। इसके लिए चाहिए दो पीस ब्रिटानिया केक, दो चम्मच चीनी, दो स्कूप आइसक्रीम वेनीला, एक कप मिल्क। अब हम मिल्क शेक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जार में एक स्कूप वेनिला आइसक्रीम ले लेंगे। इसमें शुगर ऐड कर लेंगे। शुगर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। केक डाल लेंगे, मिल्क डाल लेंगे इसमें और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसे सर्व करेंगे। सबसे पहले कप में वेनिला आइसक्रीम लेंगे और उसमें ये शेक डालेंगे। इसके ऊपर फिर से हम आइसक्रीम लगाएंगे। वेनिला केक शेक जितना यमी होता है उतना ही इजी होता है बनाने में, आप ट्राई कीजिए। ये देखिए हमारा वेनिला केक शेक तैयार है। दूसरे शेक के लिए हमें चाहिए दो स्कूप वेनिला आइसक्रीम, दो स्पून शुगर पिसी हुई, दो स्पून चॉकलेट मेल्ट, एक कप मिल्क, ओरियो बिस्किट और चॉकलेट सिरप। आइए अब हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले बिस्किट के दो पोर्शन करने होंगे, क्रीम का पोर्शन अलग करना होगा और विदाउट क्रीम अलग करना है। ओरियो शेक तो बच्चों को इतना पसंद आता है कि वो सुनते ही खुश हो जाते हैं। आप बनाइएगा जरूर, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। ये देखिए हमारे दोनों पोर्शन अलग अलग हो गए। अब हम इनको ग्राइंड करें स्टार्ट करते हैं शेक बनाना। सबसे पहले हम आइसक्रीम लेंगे, इसमें बिस्किट डाल देंगे, क्रीम वाला पोर्शन जो है वो हम इसमें डालेंगे, शुगर डालेंगे, मेल्ट चॉकलेट डालेंगे। अब मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क पहले थोड़ा डालेंगे, बाद में हम फिर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा तैयार है। अब हम इसको सर्विसिंग के लिए तैयार करेंगे। पहले चॉकलेट सिरप डालेंगे और फिर ग्लास के हम चारों तरफ इसको लगाएंगे। इससे ग्लास बहुत अच्छे से डेकोरेट हो जाता है और बहुत अट्रैक्ट करता है। ये देखिए इस तरीके से लगा देंगे। अब हम ग्राइंड किए हुए ओरियो बिस्किट डालेंगे। अभी हम शेक डालेंगे इसमें। वेनिला आइसक्रीम डालेंगे। फिर से हम ओरियो बिस्किट डालेंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही यमी होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। आप ट्राई ज़रूर करिएगा, फिर बताइएगा किस कैसा बना। ये देखिए अब हम इसके ऊपर फिर से आइसक्रीम डालेंगे। अब हम ऊपर से फिर से चॉकलेट सिरप से इसे डेकोरेट करेंगे। इसके ऊपर आप ओरियो बिस्किट से डेकोरेट कर दीजिए। ये देखिए हमारा हेल्दी टेस्टी यम्मी यम्मी मिल्क शेक तैयार है।
बच्चे तो इसे देखते ही टूट पड़ेंगे। ये देखिए हमारे दोनों मिल्क शेक रेडी टू सर्व। सर्व कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू।